देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। एट क्वेश्चन में दिया है ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर फ्रॉम इनसाइड। एक डोम है बिल्डिंग का, वो हेमीस्फीयर शेप में है। इट वाज वाइट वाश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 498.96 रुपीज में ये वाइट वाश होता है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग इज रुपीज 2 पर स्क्वायर मीटर फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो सबसे पहले हम ये रेडियस हो गई डोम की, इनर सरफेस एरिया एरिया ऑफ द डोम इक्वल टू एरिया वाइट वाश इन रुपीज 498.96 एट द रेट ऑफ रुपीज 2 पर मीटर स्क्वायर। तो इससे जो एरिया वाइट वाश हुआ है वो हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देना है 498.96 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 मीटर स्क्वायर। इतना इनर सरफेस एरिया हो गया 249.48 मीटर स्क्वायर, ये इनर सरफेस एरिया हो गया डोम का। कैसे हमने फाइंड किया, रेट दिया था 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर और टोटल वाइट वाशिंग की जो कॉस्ट है वो है 498.96 रुपीज। तो अगर 2 रुपीज में 1 मीटर स्क्वायर वाइट वाश होता है तो 1 रुपीज में 498.96 अपॉन 2 होगा और इसको डिवाइड कर देंगे तो यही सरफेस एरिया आ गया इनर डोम का, यानी कि 249.48 मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम इक्वल टू 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब की जगह आप यूज करोगे, यहाँ आर क्यूब आपको मालूम नहीं है तो आर क्यूब पहले फाइंड करना होगा। ये है सरफेस एरिया, तो यहाँ हम लिखते इनर सरफेस एरिया ऑफ एरिया ऑफ डोम इक्वल टू दिया है 249.48। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर लो आप 2 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर और ये यहाँ पर मिलेंगे तो इसको ऐसे ही रहने दो, आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48।
कैंसिल देखो कुछ होता है तो कैंसिल कर लो, टू से ये कैंसिल हो गया टू। यहाँ बताया मैंने इन क्वेश्चनों में कैलकुलेशन ज़्यादा है, आपको मल्टीप्लाई डिवीजन स्क्वायर रूट भी निकालना होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। टू से ये हो गया, टू बन जा टू, टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, टू सेवन जा फोरटीन, टू फोर जा एट और ट्वेंटी। अब यहाँ फोर अपॉन थ्री ये यूज कर सक, आर तो आपको निकालना ही पड़ेगा, आर के बिना काम नहीं चलेगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया वन टू फोर पॉइंट सेवन, फोर को मल्टीप्लाइड किए देते हैं सेवन से, तो ये आ जाएगा सेवन फोर या ट्वेंटी एट, सेवन सेवन या फोर्टी नाइन और टू फिफ्टी वन, सेवन फोर या ट्वेंटी एट और फाइव थर्टी थ्री, सेवन टू या फोर्टीन और थ्री सेवनटीन, सेवन वन या सेवन और वन एट, और ये डेसिमल आपका आ जाएगा टू डिजिट के बाद। ये अभी हमने किया सेवन से मल्टीप्लाइड, अब डिवाइड करना है ट्वेंटी टू से, तो टू से कर दिया ये इलेवन टाइम और टू से हो गया टू फोर जा एट, टू थ्री जा सिक्स, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू फाइव जा टेन और टू नाइन जा एटीन। अब करना है एलेवन से, तो ये आ जाएगा आपका एलेवन थ्री जा थर्टी थ्री और बचा आपका टेन, वन जीरो सिक्स हुए, एलेवन नाइन जा नाइन्टी नाइन, सेवन बचा सेवेंटी फाइव हुए, तो सेवेंटी फाइव में ये जाएगा एलेवन सिक्स जा सिक्सटी सिक्स, नाइन एलेवन नाइन जा नाइन्टी नाइन, थर्टी नाइन। आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स नाइन। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स नाइन का, तो सिक्स सिक्स जा होते हैं थर्टी सिक्स, नाइन में सिक्स जा थ्री, सिक्स नाइन सिक्स का हुआ ट्वेल्व, यहाँ अगर हम थ्री कर दें तो ये काम चल गया, तो सिक्स पॉइंट थ्री हो गया, रेडियस आ गई आपकी 6.3 मीटर, 6.3 मीटर। तो अब यहाँ पर ये पुट कर सकते हो 2 पाई आर क्यूब, यानी कि 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। कैलकुलेशन ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है, उतनी कैलकुलेशन हो चुकी है, अब फिर यहाँ कैलकुलेशन है आपके लिए। तो 7.3 जा हो गए 21, ये 0.3 टाइम जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 88 और थ्री से और मल्टीप्लाइड किए देते इसे, 38 जा 24, 38 जा 24 और 2 26 डेसिमल आ गया यहाँ पर। कैलकुलेशन आपको करना है जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, इनटू 6.3 का 6.3 में मल्टीप्लिकेशन होना, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री सिक्स जा एटीन, सिक्स थ्री जा एटीन, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, वन थर्टी सेवन, नाइन सिक्स, सेवन वन एट वन नाइन थ्री। तो ये आप लिख, अभी ये तो किया ही था 39.69 स्क्वायर रूट सी का तो लिया था 39.69 और इसे मल्टीप्लाइड आपको कर देना है 26.4 से, 39.69 को 26.4 से, तो 4 9 जा 36, 4 6 जा 24 और 3 27, 4 9 जा 36 और 2 38, 4 3 जा 12 और 3 15, 6 9 जा 54, 6 6 जा 36 और 5 41, 6 9 जा 54 58, सिक्स थ्री जा एटीन और फाइव ट्वेंटी थ्री, टू नाइन जा एटीन, टू सिक्स जा ट्वेल्व वन थर्टीन, टू नाइन जा एटीन वन नाइनटीन, टू थ्री जा सिक्स वन सेवन, सिक्स सेवन फोर एलेवन, नाइन वन टेन एटीन और सिक्स एट फोरटीन, थ्री सेवनटीन, टू थ्री फाइव नाइन फोरटीन, थ्री सेवन टेन। अब डेसिमल देख लो आपका आना है, डेसिमल आपका आना है कुछ डिवाइड और
मल्टीप्लाइड में कुछ तो नहीं रह गया, ये भी देखना है, तो कुछ तो बचा है। कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा है, मिस्टेक फिर देखो हुई है, ये 22 फोर या कर दिए थे 88, जबकि 22 टू या होंगे 44, और यहाँ पर आएगा मल्टीप्लिकेशन करने से 2 से डिवाइड हम किए देते हैं, क्योंकि हमने 2 ज़्यादा ले लिए थे यहाँ, तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो अब आपका आ जाएगा, ये डेसिमल है 3 डिजिट के बाद 1047.816 अपॉन 2, तो ये आ गया 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 5 2 3.9, इतने ही बना रहने दो नहीं तो और मिस्टेक होगी, 5 2 3.9 मीटर क्यूब। तो ये समझ लेना ये मिस्टेक यहाँ हुई थी, हमने जब वो मल्टीप्लिकेशन किया तो 22 फोर या 88 कर दिए थे, जबकि ये 88 नहीं है, यहाँ होंगे 44, 44 का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है इसमें, तो हमने जब 26 अपॉन 4 कर दिया तो यहाँ अपॉन 2 भी कर दिया, इसी के लिए ये कैलकुलेशन आप अपना ठीक कर लेना, इसीलिए यहाँ 2 कर दिए, तो आंसर आपका आ जाएगा 523.9 मीटर क्यूब। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर, रेडियस ऑफ सॉलिड आयरन स्फीयर इक्वल टू आर, ये हमने ले ली आर, एंड सरफेस एरिया एस, सरफेस एरिया, अब ये सरफेस एरिया ईच का दिया 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया ऑफ ईच सॉलिड आयरन स्फीयर इक्वल टू एस, ये डिनोट किया है एस से, आर मेल्टेड, इनको मेल्ट किया गया है, फॉर्म स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश, एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है जिसका सरफेस एरिया एस डैश है, यानी कि इस टाइप के जो स्फीयर रहेंगे वो है 27, और एक बड़ा स्फीयर इससे बनाया गया है, इसका सरफेस एरिया आपको दिया है एस डैश और इसका सरफेस एरिया है एस, रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, इसका रेडियस है आर डैश और इसका रेडियस है आर, तो रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, न्यू स्फीयर इक्वल टू आर डैश, ये आपको फाइंड करना है, रेडियस न्यू स्फीयर का फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि सॉलिड स्फीयर है, तो 27 सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो इस स्फीयर के इक्वल होगा, तो यहाँ हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो 27 स्फीयर का वॉल्यूम होगा यानी कि 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ये तो हो गया इन 27 सॉलिड स्फीयरों का वॉल्यूम, ये इक्वल होगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब के, तो 4/3 पाई को आप कैंसिल कर सकते हो, तो आर
डैश क्यूब इक्वल टू आपका आ गया 27 r³। तो r डैश इक्वल टू आ जाएगा 3 r, यही आपको फाइंड करना था, r डैश इक्वल टू 3 r। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है रेशियो ऑफ s एंड s डैश, रेशियो ऑफ s एंड s डैश, तो s अपॉन s डैश आपको फाइंड करना है। तो s निकलेगा यहाँ से 4 πr² और s डैश निकलेगा यहाँ से 4πr² 4π से 4π कैंसिल, r² r डैश है हमारा 3 r, तो ये 3 r का स्क्वायर हो गया, यानी कि इसे हम लिखेंगे r² अपॉन 9 r² r² से r² कैंसिल, तो ये रेशियो आपका आ जाएगा 1:9। नोट इट। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायामीटर 3.5 meter। एक कैप्सूल है जिसकी शेप दी गई है स्फीयर के फॉर्म में और डायामीटर है इसका, डायामीटर ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल 2R इक्वल टू 3.5 millimeter, 3.5 millimeter, तो R इक्वल टू हो जाएगा 3.5/2 millimeter। तो आपसे पूछा है हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल इन द कैप्सूल, तो यहाँ लिखें रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन, वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन इक्वल टू 4/3πr³, यानी कि 4/3 × 22/7 × r³, यानी कि 3.5 × 3.5 × 3.5 और ये अपॉन टू, ये आएगा मिलीमीटर क्यूब। तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 ये 11 टाइम, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, 2 से ये 11 टाइम, और 7 से आप कर सकते हो इसे 0.5 टाइम, अब कुछ कैंसिल होगा नहीं, डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ करते हैं 11 का 5 में मल्टीप्लिकेशन, 5.5 × 3.5 का 3.5 में करेंगे तो 25, और 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, और 3 के आगे जो डिजिट आती है उससे मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो ये आ गया 12.25/3 mm³। तो मल्टीप्लाइड कर लें 12.25 को 5.5 से, 12.25 को 5.5 से, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 2 जा 10 111, 5 1 जा 5 और 16, तो ये 6 1 2 5 हो गया, 5 2 7 2 1 3, 6 1 7 और ये 6 डेसिमल आ गया, 67.375 और जब 3 से करोगे आप डिवाइड तो 3 2 जा 6 3 4 जा 12 और 17 3 5 जा 15 22.45, तो इक्वल टू आ गया 22.45 mm³। और आगे लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली ये वॉल्यूम चाहिए हमें मेडिसिन का कैप्सूल को फिल करने का। थैंक यू। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी थी,
देखोगे नहीं सही से तो डेसिमल या इस तरह की मिस्टेक आएंगी, माइनर मिस्टेक होती है, देख लेना, कर लोगे। थैंक यू।